वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ब्रोंज की। ये हमारा यूनिट थर्ड का थर्ड पार्ट रहेगा, ठीक है, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ब्रोंज और इसके अलावा जो हमारे स्कल्पचर दिए गए हैं नटराज और देवी उमा, उनके बारे में पूरा विस्तार से देखेंगे। इससे पहले हमने यूनिट थर्ड के ही दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, तो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बनाई हुई है ये हमारे सिलेबस की, तो वहाँ जाकर आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस की पीडीएफ वहाँ पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन ब्रोंज से पहले अगर हम इंडियन स्कल्पचर की बात करें तो सबसे पहले हमें टेराकोटा, स्टोन और मेटल में स्कल्पचर देखने को मिलते हैं। ये तीन मीडियम थे जिनमें हमें सबसे ज़्यादा जो मूर्तियां हैं हमारी, जो हमारे बर्तन वगैरह हैं, आभूषण वगैरह हैं, वो हमें देखने को मिलते थे, ठीक है। इंडियन ब्रोंज की हम बात करें तो इसका जो फर्स्ट एग्जांपल माना जाता है वो है डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल के बारे में हमने पूरा पढ़ा हुआ है विस्तार से, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली थी काशी से निर्मित नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, अगर सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो वहाँ पर टेराकोटा में सबसे ज़्यादा हमें जो बर्तन हैं, आभूषण हैं या फिर जो मूर्तियाँ वगैरह हैं वो हमें प्राप्त हुई है। भारत की उन्नति और जीवंतता का प्रतीक है डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है। इसके अलावा दक्षिण भारत से प्राप्त मातृ देवी की प्रतिमा, धातु मूर्ति और काश के बर्तन भी मिले हैं चोल काल में। ठीक है, चोल काल में जो है वो सबसे ज़्यादा जो काश्य प्रतिमाएं हैं वो मिली थी, जिनमें कि जो नटराज की प्रतिमाएं हैं वो पूछ लिया जाए या इस टाइप की जितनी भी जो काश्य प्रतिमाएं थी वो सबसे ज़्यादा जो चोल पीरियड था, चोल काल में दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलती हैं। ऋग्वेद में जो है वो हमें सोना, चांदी और काश्य का वर्णन जो है वो मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में हमें सिर्फ तीन ये जो मेटल थी, धातुएं थी, इनका ही हमें उल्लेख मिलता है। समय की अगर हम बात करें तो इंडियन ब्रोंज का जो समय है वो दूसरी शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक माना जाता है। ठीक है, इस बीच में जो इसकी स्टार्टिंग हुई और फिर ये बाद में बढ़ते बढ़ते जो है इनका स्वरूप निखरता गया, तो उस हिसाब से इनका जो स्टार्टिंग टाइम है 2nd सेंचुरी और 16वीं शताब्दी तक ये जो है वो निरंतर चलती रही। दूसरी से तीसरी शताब्दी में काश्य मूर्ति शिल्प अकोता प्रांत से प्राप्त हुई। 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय सोने, चांदी और चंदन की बुद्ध प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती थी। 10वीं शताब्दी में चोल वंशीय मूर्तिकला जो कि नटराज की प्रतिमा है, ठीक है, तो इस टाइप की प्रतिमाएं हमें देखने को मिलती हैं। ये कुछ मेन एग्जाम्पल थे जो अलग अलग काल थे, जैसे कि मौर्य काल हुआ, गुप्त काल हुआ, तो इनमें हमें जो अलग अलग धर्म हैं जैसे हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन तीनों ही धर्मों की अलग अलग मूर्तियाँ अलग अलग माध्यम में हमें वहाँ से देखने को मिली हुई है। कुछ मूर्तियाँ कहीं से खुदाई में मिली हैं तो कुछ मूर्तियाँ हमें जैसे मंदिर वगैरह में स्थापित मिली हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमें जो है वो ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो देखिए, टेराकोटा की अगर हम बात करें तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में, अभी हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक जो है वो टेराकोटा के मिले हैं। स्टोन जो है पत्थर, वो बौद्ध धर्म और गुप्त काल में ये हमें देखने को मिलता है, जैसे कि मथुरा हो गया, तो मथुरा में चुनार के बलवा पत्थर से बुद्ध की मूर्ति, तो इस टाइप से जो पत्थर है उस मीडियम में भी हमें काफ़ी जो स्कल्पचर हैं वो देखने को मिलते हैं। बुद्ध की जो मूर्तियां हैं वो ना सिर्फ स्टोन में बल्कि धातु में भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि एक बुद्ध की प्रसिद्ध मूर्ति है, बुद्ध की तांबे से निर्मित प्रतिमा बिहार सुल्तानपुर से
प्राप्त हुई। 5वीं सदी गुप्त काल की है और उसने उसमें जो झीने वस्त्रों की सलवटें बनाई गई हैं जो कि कोमलता का आभास देती हैं। तो ये हो गया हमारा टेराकोटा स्टोन और मेटल। मेटल की अगर हम बात करें तो ये है चोल काल में, ठीक है, टेराकोटा इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्टोन जो है जो हमारे बौद्ध धर्म और गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है, मौर्य काल सुंग काल इनमें सबसे ज़्यादा स्टोन के ही हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल जो है वो हमें चोल काल में दिखाई देता है। चोल काल में उससे निर्मित जो प्रतिमाएँ थी वो हमें सर्वाधिक मिलती हैं। ये काश्य प्रतिमाएँ होती थी जो कि तीनों ही धर्मों से संबंधित होती थी, बौद्ध जैन और हिंदू। अच्छा, इसके बारे में जो चोल काल में अलग अलग धर्मों से संबंधित जो मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है, उनके बारे में पूरा एक डिटेल वीडियो है, मैं उसको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो उसमें जो है वो पूरा डिटेल से बताया गया है कि चोल काल में कौन कौन सी जो मूर्तियाँ हैं वो मिली हैं और वो किस माध्यम में बनी हैं, ठीक है, पूरा उसमें जानकारी दी गई है, तो उसे ज़रूर देखिएगा। उसके बाद देखिए मेटल जो है, मेटल कास्टिंग प्रोसेस से जो मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती थी, और बर्तन काश्य के एक धातु में, काश्य जो है वो एक मिश्र धातु है जिसमें तांबा और टिन की प्राथमिक संरचना होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, कई बार पूछ लिया जाता है नेट वगैरह के एग्ज़ाम में, तो काश्य जो है वो एक मिश्र धातु है, वो किस किस के मिश्रण से बनती है, तो वो बनती है तांबा और टिन के मिश्रण से। अब देखिए अगर जो हमारी वो है मेटल का प्रोसेस है, ठीक है, जो मेटल धातु से हम बनाते हैं प्रतिमाएं, उसकी कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, तो उसमें दो टाइप की प्रक्रिया होती हैं, दो प्रोसेस होते हैं उसके, एक को बोलते हैं सॉलिड कास्टिंग और एक को बोलते हैं होलो कास्टिंग।